हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो थोड़ी सी रैंडम वीडियो है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इतना कुछ शेयर करती हूँ तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड वैसे तो मुझे ये चीज आप लोगों के साथ बहुत वन मंथ बैक आई गेस दिवाली के टाइम पे शेयर कर देनी चाहिए थी ये वीडियो, बट मैंने नहीं शेयर की। कोई बात नहीं, अब शेयर कर रही हूँ। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बताऊंगी कुछ समथिंग अबाउट माई रेड बैग। एंड ये मैंने खुद नहीं खरीदा था, मुझे गिफ्ट मिला था। कहाँ से मिला था, क्या था, एंड सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। छोटी सी वीडियो है, लेकिन उससे पहले कुछ मैं बता दूं। अगर आपको मेरा आज का आईलाइनर पसंद आ रहा है, इट्स अ लिक्विड आईलाइनर, तो डियर आपको लिंक मिल जाएगा, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देख लेना। बाय द वे, ये है पर्पल का लिक्विड आईलाइनर, आई एम लविंग इट। लुक एट द लाइनर, मुझे बहुत पसंद आया। एंड आप सब जानते हो मुझे लिक्विड आईलाइनर्स लगाने नहीं आते हैं अच्छी तरह से, बट स्टिल आई एम लर्निंग। एंड ये काफी यू नो, अगर बिगनर फ्रेंडली भी, अगर आप बिगनर हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई जरूर करना, क्योंकि मैं भी बिगनर्स की कैटेगरी में ही आती हूँ। मुझे भी कोई मेकअप मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बट डेफिनेटली डू ट्राई वंस। एंड अगर आपको मेरे नेल पेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया है। बाय द वे, वैसे मैंने नेल पॉलिशेस के ऊपर वीडियो डाल दी है, पर्पल की नेल पॉलिशेस के ऊपर, उसमें मैंने ये वाला शेड नहीं लगाया था, ये मेरे मम्मा ने शेड लगाया था। आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया एंड आई एम लविंग द शेड। डबल कोट लगाया, डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद आया। ये है पर्पल की नेल पेंट एंड शेड नंबर 7 है ये। तो डियर, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ माई लिपस्टिक। ये जो मैंने आज लगाई है, बहुत सही वाला शेड है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आई नो मुझे इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन मैं आपको आज लिंक नहीं प्रोवाइड करूंगी, कोई नाम नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि इसके लिप स्वैचेस आने वाले हैं। अगर बता दूंगी तो फिर यू नो डिस्क्लोज हो जाती है वीडियो, तो वो नहीं मैं करूंगी। भैया बड़ा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो ब्रांड नया नहीं है, लेकिन उनके जो शेड्स है वो न्यूली लॉन्च हुए हैं। आई गेस मेरे पास नए शेड्स आए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ लिप स्वैचेस शेयर करूंगी, तो आप देख लेना, ठीक है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट माई दिस पॉन्चो। ये पॉन्चो भी मुझे बड़ा पसंद आ रहा है एंड कलर सो ब्यूटिफुल, इतना ब्यूटिफुल पेस्टल कलर है। एंड इसकी भी वीडियो आने वाली है, ट्राई ऑन हॉल करूंगी, किसी ब्रांड के साथ है, तो आप लोग जरूर देख लेना। क्योंकि इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं वही वीडियो शूट करने वाली हूँ। देखो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, अपनी एक वीडियो में दूसरी वीडियो की प्रमोशन कर देती हूँ, खुद ही अपनी प्रमोशन कर देती हूँ। यही सोच रहे हो ना आप लोग? चलो यही सोचो, फिर यही सच है। क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर यार एक वीडियो में दूसरी वीडियो की प्रमोशन करनी पड़ती है। दिस इज द फैक्ट। नाउ आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। अब आज की वीडियो क्या है डियर? मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने रेड बैग के बारे में। ये है मेरा रेड बैग, इट्स माई लावी बैग। एंड एक्चुअली डियर, इस बैग के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, 2-3 व्लॉग्स में, वीडियोस में, मेरे ब्रदर के चैनल के ऊपर, मिस्टर वगा उसके चैनल के ऊपर भी मेरा, हाँ बाय द वे मेरे भाई के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज जाके जल्दी सब्सक्राइब करो, मिस्टर बग्गा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर कर लो भाई, मेरा सगा भाई है, उसको सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो उसके चैनल के ऊपर भी आपने व्लॉग देखा होगा, उसमें भी मैंने ये वाला रेड बैग कैरी किया। मैंने अपने चैनल के ऊपर एक दो व्लॉग शेयर किए थे जब मैं अपने मामा के घर में थी, वहां पर भी रेड बैग कैरी किया था। और ये रेड बैग मुझे गिफ्ट किया है purple.com ने, थैंक यू सो मच purple.com। आप लोगों ने इतना वर्थी समझा कि आप लोगों ने मुझे गिफ्ट किया, दिवाली गिफ्ट था ये मेरा। ये एक रेड बैग, लावी का रेड बैग है, यू कैन सी। एंड ये वाली डियर परफ्यूम, एले की परफ्यूम का तो मैं ऑलरेडी रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, जब मेरे पास आई मैंने इसको 1 वीक यूज किया एंड आई वाज लाइक लव विद दिस परफ्यूम। मेरे को इतनी अच्छी लगी, फ्रेगनेंस इज लाइक वाह, सो नाइस फ्रेगनेंस। एंड आई नो कुछ लोगों के पास ये है भी परफ्यूम, क्योंकि जिन लोगों ने पर्पल की लाइट मेंबरशिप खरीदी हुई है उनको ये गिफ्ट मिली है, राइट? मुझे एक दो कमेंट्स आए थे कि दी हम, मेरे पास भी ये वाली परफ्यूम है, हमें पर्पल की तरफ से इलाइट मेंबरशिप का कुछ होता ना, आप लोगों ने एक लेवल तक जब आप पहुंचते हो तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो डियर कुछ लोगों के गिफ्ट आई हुई है, उनको पता होगा इसकी फ्रेगनेंस कितनी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो थैंक यू पर्पल, थैंक यू सो मच। तो ये है इनका, एक ये वाला गिफ्ट था, एक ये लावी का बैग था। एंड थोड़ा सा मैं आपको बैग के बारे में बताती हूँ। एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, तो ड्राई फ्रूट्स तो हमने फटाफट से खा पी लिए, वो दिवाली के टाइम पे खा पी लिए थे, छोटा सा पैकेट था। एंड थैंक यू सो मच। एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रेड बैग, मैं इस ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि मुझे इसके ऊपर यार कमेंट्स आने शुरू हो गए थे, जो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे कमेंट्स आएंगे। मुझे कमेंट्स आने शुरू हो गए, दी आप अपने रेड बैग, आपको बहुत सुंदर लग रहा है,
ऑनलाइन खरीदा है तो परचेज लिंक्स दे दो, तो कुछ ना ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि अच्छा लग रहा है आपने ये पकड़ा हुआ है। तो डियर जब मैं इसको ले रही थी ना, आई वॉज नॉट, मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में था कि रेड बैग, पहली बात तो थैंक यू उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, लेकिन जब मैंने ये बैग देखा तो बहुत मैं खुश हुई, लावी का बैग भैया, बड़ा यू नो अच्छा है, ब्रांडेड बैग है। लेकिन जब मैंने कलर देखा तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होगी, मुझे था कि यार ये ब्रांडेड बैग्स, मतलब ये जो रेड बैग है ये न्यूली मैरिड या न्यूली ब्राइड्स लेती हैं या जिनकी नई नई शादी होती है, तो मैं कहाँ से, यार 7 साल हो गए मेरी शादी को, 6.5 साल, तो मैं कहाँ से अब यार रेड कलर का बैग यू नो कैरी करूंगी। बट नहीं, मैंने थोड़ा सा यू नो पिंटरेस्ट पे सर्च वगैरह किया, फिर वहां पे मैंने देखा कि यू नो जब आप कुछ लाइट कलर के कपड़े डालते हो, लाइक पेस्टल्स कलर के कपड़े डालते हो, या आप लोगों के लिए भी टिप है, अगर आप कुछ यू नो ऐसा कलरफुल सा अगर कोई बैग अगर आप अपने साथ कैरी करते हो, तो आपके जो कपड़े होने चाहिए वो थोड़े से सिंपल एंड यू नो वो होने चाहिए, उसमें भी अगर आप कलर लोगे इसमें भी अगर आप कलर लोगे तो ओवर लगेगा, या तो पूरे ब्लैक कलर के कपड़े डालो। मुझे इतना फैशन का पता नहीं है जितना मैंने थोड़ा बहुत यू नो इन पिंटरेस्ट पे देखा एंड थोड़ा बहुत सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि या तो आप पूरे ब्लैक ले डाल लो, उसके साथ आप रेड बैग कैरी कर लो, या फिर अगर आप व्हाइट शर्ट अगर आपने डाली है, ब्लू डेनिम डाली है, उसके साथ आप रेड बैग को कैरी कर सकते हो, या फिर अगर आपने बहुत लाइट एंड पेस्टल कलर के कपड़े डाले हैं जैसे मैंने आज डाला हुआ है, अगर मैं इसके साथ कैरी करूँ एंड नीचे अगर मैंने सिंपल ब्लू जीन या फिर कुछ ऐसा डाला है तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही थी इसकी स्टोरी इस रेड बैग की, तो मैंने इसको कैरी किया एंड यार आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इंस्टाग्राम पे भी दी योर बैग इज लुकिंग नाइस, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि ओके अच्छा लग रहा है। अदरवाइज मैं पर्सनली अगर रेड बैग की बात करती तो मैं नहीं कैरी कर पाती। तो एनीवेज थैंक यू सो मच, एंड थोड़ा सा मैं आपको इस बैग के बारे में बता दूं, एंड डियर आई एम रियली सॉरी ये मैं आपको परचेज लिंक्स नहीं दे सकती क्योंकि मुझे इसके परचेज लिंक्स नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अमेजन पे ये सेम मॉडल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इतना जरूर था कि अगर आप लोग कोई रेड बैग खरीदने का सोच रहे हो, अगर आपको अट्रैक्ट हो रहा है, पसंद आ रहा है, तो खरीदो, अच्छा लगता है। एंड किस आउटफिट के साथ डाला वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया, वाइट ब्लू हो गया, टोटली ब्लैक हो गया, पेस्टल्स या कोई लाइट शेड्स में डाल लूँ कपड़े, एंड आई होप आई एम राइट क्योंकि मुझे अभी इतना फैशन के बारे में पता नहीं है। लावी का ये बैग है एंड यू कैन सी आपको ये डिजाइन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड डियर यार डेफिनेटली उन्होंने लावी के स्टोर से खरीदा था, ऑनलाइन नहीं खरीदा था, लावी के स्टोर पे जाके खरीदा था, आई एम नॉट श्योर लावी का स्टोर की ऐप है कोई, ऑनलाइन बिकता है नहीं बिकता, आई एम नॉट श्योर, अमेजन पे ये मॉडल होगा तो आप देख लेना। पीछे ये जिप दी हुई आपको, जिप भी काफी अच्छी क्वालिटी की है, एंड भाई तो भाई देखूँ मैं इसमें क्या रखा हुआ है। वैसे आप लोगों ने मुझे बहुत बार बोला है कि आप दी अपना व्हाट्स इन माई बैग शेयर करो, तो करूंगी शेयर, करती हूँ शेयर बहुत जल्दी। फिलहाल तो मेरे बैग में से ये लिपस्टिक निकली है, एंड ये कौन सी लिपस्टिक है, एंड ओके ये है ब्लू हेवन की कोई आर्टिस्टो, शेड नंबर 07, ये भी बड़ा मेरा फेवरेट वाला शेड है, एंड ये है लैक्मे की 925 प्राइमर प्लस मैट, मेपल मैट इसका शेड है, बाय द वे इसका सारा नाम नूम हट चुका है, एंड कुछ कॉइंस कुछ से पड़े हुए हैं यार इधर, बस और कुछ नहीं यार। ये तो व्हाट्स इन माय बैग वीडियो बनती जा रही है, ये नहीं मैंने बनानी आज, वो किसी और दिन बनाऊंगी। ओके साथ में आपको ये जिप मिल जाएगी एंड दो आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी, अंदर आप देख सकते हो सब तरफ लावी लावी लिखा हुआ है, और जिप भी काफी अच्छी है एंड अंदर क्वालिटी भी काफी अच्छी है, एंड आई गेस ये डेफिनेटली डियर 4000 से अबव का बैग है या 4000 तक का बैग है, नॉट श्योर, क्योंकि उसके साथ एक और कार्ड आया था, कार्ड मैं देख लेती हूँ, कार्ड था, मैंने प्राइस भी नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे बस फेंक दिया, आई डोंट नो, ये जरूर इसका मैंने संभाल के रखा था। लावी के बैग्स एंड शूज आते हैं आप सब जानते हो, तो एक तरफ शूज बनाया हुआ है एंड एक तरफ बैग है, तो बस प्राइस वगैरह आई गेस 4000 तक का ये बैग है, आपको अंदर भी एक जिप मिल जाएगी, ये देखो। बाय द वे देवश्री है जो मेरे साथ एडेड है, उन्होंने मुझसे पूछा था इसका परचेज लिंक, तो देवश्री सॉरी डियर मैं परचेज लिंक्स तो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती, बट बैग के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। ये है डियर बाकी की जगह, ये मेरे थोड़ा सा सेल है किसी चीज का, मेरे रिमोट का छोटा सा, जिसके साथ मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, एंड थोड़ी सी मेडिसिन पड़ी है, एंड डेफिनेटली एक चॉकलेट पड़ी है, कौन सी है, डेरी मिल्क सिल्क ओरियो पड़ी हुई है चॉकलेट, एंड बस यही है डियर आज की वीडियो, एंड होप आप लोगों को पसंद आई, डिफरेंट सी थी, शेयर करने का मन के शेयर कर दिया, प्लस मुझे purple.com को थैंक्स बोलना था, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एंड गिफ्टिंग मी दिस बैग, क्योंकि जब आप लोग इतना हार्डवर्क हम लोग करते हैं एंड अगर कोई अचानक से कोई ना ऐसा कोई गिफ्ट कर दे तो बहुत खुशी होती है, एंड
अच्छा फील होता है यार। और जब मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास कुछ पार्सल ऐसा वैसा आने लगा, तो मैं 5 मिनट उसको जितनी देर खोल रही हूँ उतनी देर सोच रही हूँ क्या आया क्या आया, किसने भेजा किसने भेजा, क्यों भेजा, कहाँ से भेजा है, इतने सारे क्वेश्चंस 2 मिनट मेरे माइंड में आ गए। तो मैंने जब इसको ओपन किया प्लस दिस एंड प्लस ड्राई फ्रूट्स एंड वहां पे लिखा था आई गेस हैप्पी दिवाली एंड ये वो, तो बड़ी खुशी हुई। बहुत टाइम पहले शेयर करनी चाहिए थी वीडियो, नहीं शेयर की, कोई बात नहीं। बाकी ये जो मेरी आने वाली वीडियोस है अबाउट दिस क्लोदिंग ट्राई ऑन हॉल एंड लिपस्टिक एंड लिप स्वैचेस तो जरूर देख लेना, फिर से प्रमोशन कर रही हूँ अपनी आने वाली वीडियो की इस वीडियो में, कोई बात नहीं बनता है। तो चलो फिर डियर आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप लोगों को अच्छी लगी पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एंड जब सब्सक्राइब करोगे आप बेल बटन को आप जरूर हिट कर देना ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। एंड सो टिल देन बाय।